हाउ डू यू नो दैट? ये मैंने कहाँ बताया या कहाँ लिखा है मैंने? कैसा मैंने सोचा था कि इसमें मुझे मिल जाए? इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की। ठीक है, पर मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने किसको बताया ये, कि मैंने जब ऑडिशन दिया था मुझे सच में लग रहा था कि अरे मुझे ही ये बताया मुझे था, कर आपने, रहा है। हम मिले थे, आपने मुझे ही बताया था और आप भूल गई। फिर आपको जब काम मिलना चालू, आप मुझे भूल गई। एंड देन नहीं, अभी ये गलत है, ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि मैं सच में भूल जाती हूँ यार, ऐसे मत करो। हाय, हाउ यू? अरे आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड वेरी हैप्पी। वेलकम टू दी चैट शो कॉल्ड लाइफस्टाइल पायरेट ऑफ सलून वाले। सो बेसिकली लाइफस्टाइल पायरेट इज मोर लाइक अ शो वेयर वी विल बी सीकिंग ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड व्हाट यू हैव बीन थ्रू एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो दीज आर द गोइंग टू बी अ लिटिल फ्रेंडली चैट। I'll be putting some of the keywords or stuff or topic, yes, so that we can interact on. So first of all, ओके, कितने बजे आए? 7:20। किस, व्हाट, 7:20। What was the time? क्या है? 7:20। I told you 7:20। आपका टाइम कितने बजे का था? सीसीटीवी में क्या दिखा रहा था? नाइस, बहुत अच्छी एक्टिंग की है अभी। अरे सो हाउ वाज वर्किंग ऑन ब्रिलियंट सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर एंटायर टीम फॉर सनफ्लावर। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच, थैंक सो टेल अस अबाउट योर ऑल कास्टिंग एंड वर्किंग विद सनफ्लावर। एंड सीजन 2 तो नहीं आ रहा शायद, है ना? यू। आ रहा है, आई थिंक आ रहा अच्छा, है, आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड आई एम नॉट, आई शुड नॉट से एनीथिंग, आई थिंक आई हैव नॉट लाइक आस्क देम कि मुझे बात मुझे करनी नहीं चाहिए नहीं, लगता बट आई थिंक आ रहा है। नहीं आ रहा है। क्यों हाउ आएगा? खत्म हो डू यू नो? गया। मेरी मॉम बोल रही थी इन्होंने खत्म कर दिया यार, मुझे देखना था फिनाले। नहीं, हाउ डू योर मॉम नो कि अभी खत्म ही हो गया और सेकंड नहीं। सीजन नहीं आ रहा? शी इज कंप्लेनिंग कि यार ये लोग खत्म कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कब खत्म होगा। मतलब फाइनल मुझे देखने नहीं, बट दो। आई थिंक सेकंड सीजन आने वाला है, सो कामिनी होगी उसमें या? दैट आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माय ओके, हैंड, होप सो, होप सो, वो बिकॉज मुझे पता द स्क्रीन टाइम यू है। शेयर। डेफिनेटली होप सो यार, डेफिनेटली बिल्कुल आई बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली होप, एंड प्लीज आप भी होप करो एंड प्रे करो कि अच्छा हो। और फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। सो So how was working with या इट वाज एक्चुअली ब्रिलियंट, इट वाज वेरी नाइस यार, बहुत मजा आया, क्योंकि इसका ऑडिशन जैसे आपने बोला था शुरू से लास्ट तक, तो या तो इसका ऑडिशन हुआ था जब फर्स्ट लास्ट लॉकडाउन था, तो आई वाज इन माय होम उस टाइम पे आया, एंड क्योंकि आप फ्री हो और मजे कर रहे हो, घर पे हो, कुछ है नहीं, तो कोई ऑडिशन आया है तो इट्स लाइक फन ना कि चलो कुछ नया आया है, कुछ करना है, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इसमें कुछ कुछ लाइंस ही ऐसी लिखा ही बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से था, तो वो तो था ही, उसके अलावा मुझे लगा यार क्या ही है, घर पे है, जब आप घर पे रहते हो ना तब फ्री टाइम है और एंजॉय करना, तो मैंने उसको थोड़ा और फन के साथ थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया। मेरे साथ के कुछ दोस्त थे, जबलपुर में थी मैं उस वक्त, तो जबलपुर में एक कुछ दोस्त थे, उन्हीं के घर जाके और कुछ कुछ को बुला के, और फिर एक साथ एक्टर ही है मेरे जिन्होंने मेरे साथ ऑडिशन? ऑडिशन किया था, हाँ, तो उन लोगों के साथ किया, और फिर उनसे भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो आई वाज लाइक मैंने दो टेक्स भेजे थे, एक तो जैसा लिखा था मराठी जिस तरह का है अभी, एक मैंने भेजा था बुंदेली एक्सेंट में थोड़ा, तो सही है। देवर लाइक वेरी हैप्पी, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि उन्होंने बस देखा और उसके बाद डन हो गया कि अभी तो यही है, उसके अलावा कुछ है नहीं, और फिर विकास सर ने बाद में ये भी बताया कि बीच बीच में वो बोर हो जाते थे, विकास सर और राहुल सर, राहुल देश पांडे, उन्होंने बताया कि बहुत सारी कास्टिंग के देखते देखते बहुत सारे वीडियोस देखना है, और जब भी थक जाते बीच में तुम्हारा वीडियो लगा के देखते हैं और हंसते हैं हम।
ऑडिशन वाले, तो बहुत मजेदार था, उनको बहुत पसंद आया। और फिर उन्होंने ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन इम्प्रोवाइज वट एवर यू वॉन्ट, और जितना लगेगा उतना रखेंगे, जितना नहीं ऑफकोर्स वो डायरेक्टर है वो देख के उसको कट करेंगे। तो बहुत सारा कुछ कुछ इम्प्रोवाइज किया, तो शायद इतना मजा आया एक्चुअली मुझे कि शायद पहली बार मैंने ऐसे काम किया जहाँ पे थोड़ा लंबा भी कैरेक्टर था और आपको इम्प्रोवाइजेशन का इतना स्कोप था कि दे वर ट्रस्टिंग अस। मतलब एक कैनवास था व्हाइट वाला एंड आपको बोला गया कि जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ ग्रो। बिल्कुल, यस, पेंट करो। यस मैं जब देख रहा था, मतलब मैंने पहले नहीं देखा था, मैंने प्रीवियस वर्क आपका नहीं देखा था एंड आई वाज जस्ट हाँ मैं देख रहा था, तो मुझे एक चीज लगी। आई डोंट नो मेनी ऑफ द व्यूअर्स विल बी अग्रीइंग और नॉट, लेकिन आप अगर नहीं होती हाँ तो सनफ्लावर आगे नहीं बढ़ता, बताओ कैसे? आई डोंट नो, पर कैसे? 7:20 को आप आती नहीं, वो राज सर का मर्डर किसी को पता चलता ही नहीं, तो ये सीरीज जाती कहाँ? जाती कैसे? मैंने सीधा जाके जाके उनको बताया ना, उनको राइट राइट। बताया था। सो भूल भी गई मैं। जब सीरीज देख रहा था आपको, जब मैं इस पे जितना स्क्रीन टाइम आपने शेयर किया, सो जो फीलिंग आ रहा हाँ था ना कि द लेडी इज रेडी टू एक्सप्रेस, और वो बिल्कुल उसके अंदर उसने ये कर लिया, मेल्ट कर लिया अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर। आई एम नॉट प्रिटी श्योर उसको कैरेक्टर ही बोला जाए, या मुझे नहीं पता आप लोगों की जो लैंग्वेज है क्या बोलते नहीं, हैं। कैरेक्टर कैरेक्टर ही है, फर्स्ट है राइट, कैरेक्टर ऑफ है वो। सॉरी, थैंक यू। सो इतना अच्छे से अपने आप को उसके अंदर फिट करना, सो ये मैंने फेल्ट किया था राइट फ्रॉम द टाइम 2011 में, आई थिंक गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी। सो हाँ, पंकज त्रिपाठी जो सर है, पंकज ओह त्रिपाठी, माय सीनियर। या सो वो जो स्क्रीन पर आते हैं एंड द फीलिंग यू गेट एंड द सेम फीलिंग आई फेल्ट एंड द टाइम आई फिनिश द सीरीज आई थॉट टू अप्रोच यू कि बस एक बार बात हो जाए, पता नहीं कल बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए अपने चैनल के लिए कुछ हो, दैट इज व्हाई आई जस्ट पता नहीं, बन जाए ऐसा बोलो, अच्छा हो बन जाए तो हाँ अच्छा है ना, बिल्कुल, आप ऐसे भी बोलो बन बन जाओ जाए बोलना। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब पहला अगर होगा तो वहीं से होगा कि ये यहाँ पे ये बात बोली गई थी एंड लाइक जस्ट इट इट केम इनटू रियलिटी। सो आमीन, ऐसा हो इंशाल्लाह। जाए बिल्कुल। और आपने पंकज सर के साथ जो बोला, पंकज सर को देख के जो लगा था, और फिर इसके बाद मुझे देख के लगा, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। बस एवरी टाइम ही अपीयर्स ऑन टू द स्क्रीन आई फेल्ट लाइक कि बस यार ये स्क्रीन पे ही रहे, एंड दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सेंट जो कैरिकेचर जो था आपने उन मुंबई की, मतलब वहीं का है एक मतलब स्टोरी, तो मैं मुंबई में हाँ पवई में आई आई यूज्ड टू लिव इन पवई, सो मुंबई में रहा हूँ, मैंने हाँ 2-3 साल स्पेंड किया है, तो वो जो एग्जैक्ट जो कैरिकेचर था एक एक मेड का उन बिल्डिंगों में, तो आई हैव बीन इन टू दोज बिल्डिंग्स एंड ऑल एंड मैंने देखा है कि हाउ दिस बाई टॉक्स वॉक्स एंड एवरीथिंग। सो अपने बिल्कुल उसको It was there, ऐसा था बिल्कुल वो। बिल्कुल लेकिन उनके एक्चुअली मुझे बातों बहुत में। ज्यादा, मुझे सच में मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था, और जिसमें घर से आके और शूट करना था, तो मैं थोड़ा वरीड थी कि मेरा एमपी वाला टेक्सचर आ रहा होगा। मुझे लगता है आया भी है थोड़ा। बस उसमें एक डिफरेंस था कि उनका एज थोड़ा सा ऊपर था, मतलब है एक्चुअल में होता है, एंड हाँ ये हाँ वाली जो थी वो थोड़ी सी एकदम लाइक कॉलेज बोलो या फिर यंग यंग थी, और थोड़ा हाँ, और यंग इसी फिर वर्ड थोड़ा वो चंट बनाया उसको, थोड़ा मतलब इज इन। उसको हाँ हाँ वेरिएशन देने के लिए, ऑफ कोर्स उसके बाद तो मुझे भी इसीलिए लगा कि क्योंकि मैंने भी इसीलिए बॉडी बना मजेदार था ली, वो। उसके बाद मुझे भी लगा कि मैंने भी बॉडी बना लेनी चाहिए थी, आई विश आई कुड हैव दैट बॉडी। अगर मेरे कैरेक्टर को देख के थोड़ा भी ऐसा किसी को मोटिवेशन आता है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं बोला अभी लॉकडाउन में काम ही नहीं, चौकीदारी बन जाता मैं, वही सही होता। सो सुनील ग्रोवर के बारे में बताइए, ही इज वेरी टैलेंटेड एंड स्किलफुल आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स बहुत टैलेंटेड है, और उनका तो ऐसा है कि मैं कपिल शो देखती थी, सच बता रही हूँ, मैं केवल उनकी वजह से देखती थी। और अभी सेम भी कई बार ऐसा होता है कि है ना, वो जब भी बिल्कुल देखो वो जो देवी, कौन सी देवी, भाभी का कैरेक्टर करते थे, है हाँ, गुड गुड थी समथिंग। ना, हाँ
गुत्थी भी एक ऑफ कोर्स वो तो बहुत फेमस है, उसके अलावा वो जो समथिंग भाभी थी वो कैरेक्टर, और डॉक्टर गुलाटी, हाँ, उनका एक कुछ कुछ मतलब एक ट्यून था, इनको आता ही नहीं है, ऐसा टाइप का कुछ गाना था उसका, इनको आता वो ही देवी नहीं वाला, इनका आता नहीं है, है। हाँ हाँ है ना, जिंदगी बर्बाद हो गया राइट ये था। तो यार मैं सच में उनके लिए देखती थी, आगे बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के, जहां पे गुलाटी की एंट्री होगी वो देखूंगी। अभी भी मैं ये करती, पुराने पुराने शोज निकाल के और देखती हूँ। उनसे सही पहली है। मुलाकात ऐसी हुई कि हम लोग रीडिंग के लिए गए थे, जब तब आए हुए थे वो, तो हमने रीडिंग की, वो थोड़ा सा हल्का लेट आए थे, तो मैंने देखा ना, आई वाज लाइक आई वाज वेरी हैप्पी यार, चलो सुनील ग्रोवर आए, मैं बात करूंगी उनसे थोड़ा। लेकिन थोड़ा नर्वस रहते हैं ना कि यार क्या बात करूं क्या नहीं, बट एक्चुअली वो जब आए थे तो मैं इतना खुशी, बिकॉज मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, मैं फैन ऑफ इट, तो मैंने देखा, मैंने स्माइल किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया। एंड देन हमने रीडिंग की, तो उसके बाद जब बाहर गए रीडिंग के बाद, बीच में ब्रेक हुआ तो बाहर गए, तब सर ने खुद ही से मुझे बुला के और फिर मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, और जबकि मेरी बहुत ही कम लाइंस थी तब जब रीडिंग की थी, तब बाद में बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया है, तब तो बहुत कम थी, तो मैंने कुछ कुछ उतना ही पढ़ा, और वो सडनली उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, और उन्होंने पूछा आप कहीं से पास आउट हैं और आपने थिएटर किया है क्या। आई वाज वेरी हैप्पी, मुझे लगा इतने में कैसे इनको पता चला, उन्होंने कहा समझ में आता, मैंने कहा इतना कुछ तो मैंने नहीं किया, बस पढ़ा ही है, उन्होंने कहा नहीं समझ में आता है, मुझे लगा ऑफ कोर्स यार ये सीनियर, उनको तो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, तो उस दिन बड़ा अच्छा लगा मिलकर, और उन्होंने बड़ी तारीफ की। फिर उसके बाद मिलना जुलना जब भी शूट पे रहते हैं तो मिलना रहता ही है, हाय हेलो, फिर उनसे मैंने भी बहुत कुछ पूछा, खूब सारी बातें की। अभी लास्ट टाइम हम 11 को ही हमारी पार्टी थी ना, अच्छा, ये तो उसमें हम मिले थे, तब खूब सारी बातें की, सही सही। तो 11 को रिलीज थी ना रिलीज पार्टी, फिर तब भी खूब सारी बातें की, और बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, और एकदम जैसे जो एक्सपीरियंस हमें होता है उसके बारे में मैं बता रही थी उनको, उन्होंने बोला हाँ ऐसे होता है, जब नए नए में जाते हैं तो घूमते हैं हम भाई, और देखते रहते हैं कोई बुला ले हमको, एंड आई वाज लाइक कि एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम वो फेस करते हैं सारी सही बातें, घर की बातें और बहुत सारी बातें, तो ऑफकोर्स एकदम कुछ दिन बाद तो लगा ही नहीं, अब ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये वो है, ऑफकोर्स अभी भी उतना ही एडमायर करते हैं, ब्रिलियंट एक्टर, कमाल आदमी है वो, लेकिन हाँ एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो कमाल, नो डाउट। और उन्हीं के सिमिलर स्टेचर के आपके साथ में स्क्रीन शेयर किया थे, वो थे रणवीर शौरी। हाँ कमाल, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, उनको भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, क्या एक्टर है वो, बढ़िया बढ़िया। कमाल एक्टर है, कमाल एक्टर है, नो डाउट। उनसे भी फिर अभी, क्योंकि पहले शूट के टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी उनसे, क्योंकि मुझे थोड़ा वो बड़े सीरियस रहते हैं सेट पे, भी और क्योंकि उनका कैरेक्टर भी ऐसा था, तो मेरी इच्छा होती थी मैं बात करूं, पर फिर लगता था यार ही इज इन द कैरेक्टर एंड इन हिज जोन, तो आई डोंट थिंक आई शुड टॉक टू हिम और नॉट। तो पर अभी जब पार्टी में मिले तब मैंने उनको बताया कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, मैं ब्रेक चल रहा था तो मैं बैठी हुई थी और सर आए, और वो अपने कॉस्ट्यूम में थे, मैं भी कॉस्ट्यूम में थी, बीच में बस शॉर्ट के बीच में ब्रेक था, वो आए और मुझे लगा कि यार सर आए, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट ना, मैं ऐसे खड़ी हो गई, और फिर मुझे लगा अभी वो बैठेंगे, मैंने बोला और कहीं ने बोला कि सर बैठिए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा यहाँ ऐसे ऐसे, फिर चले गए, मैं बैठ गई, थोड़ी देर बाद फिर वो आए, फिर मैं, आदत है ना कि जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप खड़े हो जाते हो, तो मैंने फिर से ऐसे किया, तो ये बात मैंने उनको बताया, और मैंने कहा आप फिर नहीं बैठे, और फिर चले गए, तो ही वॉज लाइक अरे यार बताया क्यों नहीं ना, मुझे पता ही नहीं था मैंने ऐसी हरकत की, मैंने कहा आपकी हरकत नहीं वो मेरी है मुझे लग रहा था कुछ कर लू, कुछ बात कर लू, हाई कर लू, क्या बात करूं, लेकिन अभी जब मिली तो पार्टी में खूब बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस मैंने कुछ कुछ उनसे शेयर किए, कुछ कुछ उनसे पूछा, ऑफ कोर्स वो सीनियर हैं तो कुछ कुछ चीजें किस तरह से अपने आप को सेट पे रखना है, कई सारी टेंशन होती है वो अपनी पर्सनल, जो हम सेट की प्रॉब्लम्स होती है, जो चीज किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस को, उसके बारे में कुछ कुछ पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया,
वेरी नाइस। एक और आपके सीनियर मिस्टर आशीष विद्यार्थी। माशाल्लाह कमाल है। वो सनफ्लावर में भी थे, और हाँ सनफ्लावर की बात कर रहे हैं। सो सॉरी, मैं ये बता रही हूँ, अभी एक और फिल्म कर रही हूँ मैं। नहीं बताना चाहिए मुझे नाम, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। मेरी उनसे दोस्ती सनफ्लावर में नहीं हुई एक्चुअली। सनफ्लावर में बस इतना ही था कि मैंने उनको देखा और हेलो सर किया, उनको जाके बस ये बताया सर मैं आपकी जूनियर हूँ NSD से, तो बस इतना ही बताया। और उन्होंने कहा अरे वाह गुड गुड, तो बहुत ही फॉर्मल बात। लेकिन मेरी दोस्ती उनसे हुई कि अच्छी बातचीत जो पूछी जाए, लंबी बातचीत और जानकारी, वो मेरी नेक्स्ट अभी फिल्म कर रही हूँ उस पे हुई जिसमें वो काम कर रहे। तो सेकंड सीजन में जब वो मिलेंगे तो मेरा एक हाँ क्वेश्चन हाँ है, आप उनको पूछेंगे? जरूर, वो तो मुझे अभी इसी फिल्म का आधा शूट बचा हुआ है, फिर मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। बताइए। नहीं, सनफ्लावर के सेकंड सेकंड सीजन के बारे में है ये क्वेश्चन। आप अगर अच्छा उसका शूट हाँ हाँ होता है तो उसका एक क्वेश्चन है मेरा। उनके जो भी हाँ हाँ क्राइटेरियाज थे, जो सीजन उनके जो भी क्राइटेरियाज थे, जो भी जिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे ओके थे हाँ अपने सोसाइटी में, हाँ 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 बाई के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? सबसे ज्यादा कंट्री तो भाई ही थी, उसको बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था यहाँ। बिल्कुल सर मैं पूछूंगी, इवन मैं डायरेक्टर से भी पूछूंगी, उनसे भी पूछूंगी सर ये विकास सर से भी पूछना चाहिए, राइटर है वो, सर ये बिल्कुल तो ध्यान ही नहीं दिया इसने, बताओ बहुत खतरनाक भाई है ये तो। चलो, एक जैसे आपकी सीनियर्स की बात हुई तो एक एक शब्द बोलता हूँ, उसके बारे में मुझे बताइए। NSD हाँ हाँ के बारे में पीछे ले जाइए हमको, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए कि क्या है, कैसे आप NSD में पहुंची, या मतलब क्या हुआ कि आप दोनों, आप और आपके हस्बैंड NSD में पहुंचे? वो दोनों पहले पहुंचे या बाद में हस्बैंड हुए हैं, या फिर आप गई थी केदारनाथ वो घूंघट में, नमो नमो नी शंकरा जो सॉन्ग चल रहा था, आप थी घूंघट में? क्लैरिफाई कीजिए उसको, क्या था मुझे ये सब नहीं आपको पता है लवली? पता। ना जा थैंक यू, रिसर्च अच्छा किया रिटर्न मैंने, बोलते काफी आप, मेहनत किया मैंने। थैंक वेरी नाइस। ओके मैं बताती हूँ। शुरू से आपने कहा, तो शुरू से तो ऐसा है कि जब हम NSD गए थे तो कॉज हम जानते ही नहीं थे एक दूसरे को, नए नए जो सारे ही लोग जाते हैं। मैंने ये भी बताना है पहले मैंने क्या किया ये सब नहीं ना, केवल NSD पे आपकी मर्जी है, आपको फोकस जो करते सही हैं लगे ना। आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरे यार बताने के लिए बहुत कुछ होता है एक्चुअली, तो समझ नहीं आता कितना बोलना चाहिए, मेरे है पास ना। बिल्कुल बहुत समय है, मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, मेरा भी अभी कोई शूट नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं, मैं अभी फ्री हूँ, बात करते हैं। ओके तो मैं जबलपुर में थिएटर कर रही थी विवेचना रंगमंडल में, वहां से मुझे पता चला NSD। एक्चुअली मैं शुरू मैंने किया था कि मैं पहले बनना चाहती थी सिंगर, मैं सिंगिंग सीखने के लिए जबलपुर गई थी, तो अच्छा वहां पे धीरे धीरे एक्टिंग का कीड़ा काट गया और मैंने विवेचना ज्वाइन कर लिया, विवेचना रंगमंडल। वहां पे पता चला NSD, तो लगा कुछ चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहां पे जिन्होंने बताया, उन्होंने अप्लाई किया कई बार उनका नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया नहीं हुआ। इट वॉज लाइक समथिंग कि यार कुछ तो है जो चैलेंजिंग है, ये करना है लाइफ में जो कोई नहीं कर पाता, कम ही लोग कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर NSD का करना शुरू कर दिया, फिर सेकेंड अप्लाई मैंने किया, पहली बार में मेरा वर्कशॉप तक हुआ, फिर उसके बाद नहीं हुआ। और वो शायद ठीक भी हुआ क्योंकि मैं तब MA प्रीवियस में थी, तो MA फाइनल हो जाता है उसके बाद होता, जो हुआ भी MA फाइनल हुआ मेरा, जस्ट मेरा फिर NSD में सिलेक्शन हो गया। तो बासु वॉज माई बैचमेट, ओनली माई बैचमेट, बट हिट और मिकी वो मुझे पहले साल में भी आए थे, जब प्रीवियस पे आई थी तब भी 2011 में, तो ही वॉज लाइक लिटिल इंटरेस्टेड कि उनको मैं पसंद आई थी, बट उन्होंने बताया नहीं था ना, आई वॉज लाइक हाँ ठीक है ऐसे ही बात होती थी कभी कभार, वो भी मतलब कभी बात ही नहीं हुई। फिर दोबारा जब दूसरे साल में गई तब हाय हेलो बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा NSD में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास फर्स्ट कॉल जो आया था बासु का ही आया था, मुझे पता बिल्कुल तेरा NSD में हो गया है, आई वाज लाइक वाह, मैं इतना खुश हो गई। और मैंने तुरंत ही कंप्यूटर ऑन करके अपना देखना शुरू कर दिया और कॉल में हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि हाउ सेल्फिश आई एम, मैंने बासु से पूछा नहीं भाई तेरा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने थोड़ी देर बाद बासु से पूछा कि तुम्हारा हुआ क्या, तो उसने कहा हाँ हाँ मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ।
हो गया। मैं मुझे उस वक्त ये लगा कि यार मान लो नहीं हुआ होता तो कितना बुरी बात होती ना, तो नहीं, ऐसे ही बात हुई। हाँ मुझे ना थोड़ा प्लान यस लगता है ये कि मतलब आपको शायद वो पसंद करते थे, तो हो सकता है मे बी उन्होंने सिलेक्शन करवाया हो और फिर कॉल इट्स नॉट पॉसिबल किया यार, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर नहीं हो सकता ऐसा होता तो कई सारे लोगों का हो चुका होता, मैंने कईयों का करवा दिया होता। इवन छोड़ो, है कुछ लोग जिनको मैं चाहती थी कि उनका एनएसडी में हो जाए, और अब बाद में तो हम दोनों ही साथ हो गए थे ना, तो हम दो लोग हो गए थे कि हम दो लोग साथ में मिलके करते तब तो हो ही जाता ना। तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल इन एनएसडी कि मैं किसी का करवा दूं या वो किसी का करा दे। पर हाँ, मतलब फिर एनएसडी में रहते रहते प्रेम प्रसंग हो गया हमारा, और फिर पास आउट होने के बाद। और इसको हाँ प्रेम प्रसंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम दो फ्लावर हिलाएंगे खाली ऐसे ऐसे चलेगा? यस, छिक 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 छिक, ओके। तो हाँ, केदारनाथ में मैं नहीं थी, केदारनाथ में आप ही थे वो घूंघट में, आप झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, मैं नहीं थी। अगर आपको सच पूछना है तो आप बासु से पूछ सकते हैं, आप उनका इंटरव्यू अब लीजिए उसके लिए। मैं ये बात क्यों बताऊं, केदारनाथ इज नॉट माय फिल्म, आई वाज नॉट देयर, आई विल नॉट टॉक टू देम। तो एनएसडी के बाद रेपेट्री में आपने काम किया, राइट? तो रेपेट्री हम लोगों को नहीं पता है बिल्कुल, एनएसडी बहुत हद तक, चलो हमारे सौरभ द्विवेदी भाई हैं जो एक चैनल आता है उनका, वो बहुत बात करते हैं। हाँ ही इज नॉट इन टू एनएसडी बट ही इज ऑलवेज इन एनएसडी, ऐसा फील होता है हम लोगों को एज अ व्यूअर। एनएसडी के बारे में हमको बहुत हद तक उनसे पता चला है, ही इज इन टू कि हम लोगों की हाँ आंखों के सामने पिक्चर आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा है एनएसडी, वो इतने अच्छे से बात करते हैं। तो मैं तो उनको मतलब एक दो बार ट्विटर पे टैग भी किया उनको, तो मैं हिंदी का हर्षा भोगले ही बोलता हूँ उनको, होपफुली वो अगर सुने। अच्छा हाँ, और उन्होंने एक दो बार जवाब भी दिया उसका, तो मैं उसको बोलता हूँ होपफुली ये बात उन तक पहुंचे, वो देखे तो मजा आएगा। सो वो बहुत हद तक एनएसडी के बारे में बता चुके हैं। एक आपके उनका नाम नहीं आ रहा, कल्लू मामा का नाम क्या, मैं भूल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, जो अपना ये काम किया था इन्होंने सत्या में, जो कल्लू मामा बने थे। एक मिनट, मैं फिल्म का बहुत, मुझे कम नॉलेज है और मैं शब्द बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, सौरभ तो शुक्ला, सौरभ शुक्ला, सौरभ शुक्ला सर, सॉरी। तो सौरभ शुक्ला। यस, उन्होंने अपना रेपर्टरी का एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके एक ये ट्वीट। बात अगर बाहर आई ना कि कल्लू मामा हाँ, तो वाह। हाँ उनका एक एक्सपीरियंस था। अब यंग वो हाँ भी बहुत पुराना वाला टाइम का रेपर्टरी था, हमको अभी इस यहाँ का रेपर्टरी कैसे चेंज हुआ है, क्या एज ए कोई करियर उसको ले सकता है, क्या है एग्जैक्टली कि मतलब कोई क्रिएटिव एक्चुअली बंदा ले सकते हैं, है। लेकिन एज अ करियर ऐसा है कि वो 5 साल ही हो सकता है। आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हर साल भी आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपने कैसे काम किया, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, इट्स एवरीथिंग। तो हर साल फिर से रिन्यू किया जाता है उसको, तो वहां पे रहना भी बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी बात होती है 5 साल तक टिक के रहना। और उसमें ग्रेड भी होता है कि बी ग्रेड फर्स्ट आप जब जाते हो तब, फिर उसके बाद ए ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर जैसा आपका इंटरव्यू होता है फर्स्ट सिलेक्शन के लिए, वैसे ही फिर से इंटरव्यू होता है कि आप ए ग्रेड के लिए सही हैं या नहीं, फिर आपकी पेमेंट में भी उसमें एफर्ट बढ़ोतरी होती है और वो होता है। लेकिन यह है कि आप 5 साल ही रह सकते हो वहां पे, तो अच्छा, ऑफकोर्स एक कमाल की चीज है, नो डाउट, कि आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप काम करते हो, और थिएटर में आपको इतनी इज्जत मिलती है कि एज ऑडियंस तो आपको बहुत सारे लोग वैसे भी पसंद करते हैं जब आप बाहर थिएटर करते हैं, लेकिन इसमें क्या आपके घर के लोग भी बहुत तवज्जो देते हैं क्योंकि आप पेमेंट अच्छी मिल रही होती है आपको। तो ये आप एक्चुअली इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि आप थिएटर करते हैं और आपके पास ऑडियंस होती अच्छी होती है, आपको लोग एज अ परफॉर्मर बहुत पसंद करते हैं, बट आपका ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा रहता है ना कि आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग कि ठीक है भाई थिएटर तो करते हो पर करते क्या हो, वहां जाके ये क्वेश्चन थोड़ा खत्म हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये वहां पे है और अलग अलग डायरेक्टर्स आते हैं उनके साथ आप काम करते हो, बहुत ही अच्छा। और अगर आप आगे चल के कुछ करना चाहते हो तो आप चाहो तो कुछ अमाउंट जोड़ के रख सकते हो आगे के लिए, अर्निंग कर सकते हो कि उसके लिए आपने व्यवस्था कर ली हो, फिर उसके बाद निकलने के बाद आपने फिर
प्लान कर लिया सारी चीजें, ये भी कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। ये तो रही आपकी एनएसडीएल रेपर्ट्री के बाद, एक इंडिया में छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, उसमें एक सिटी है बिलासपुर, वहाँ से 18 या 20 स्टेशन बात आता है कटनी, कटनी के बगल में है बरही, उसके बारे में हमको बताइए। और बाय द वे मैं बरही बिलासपुर से लेके शहडोल तक स्टेशन गिना सकता हूँ पूरे। आए हाय, इतना रिसर्च क्यों किया, कौन सा मैं ट्रेन में सफर करनी थी मैं रहा हूँ अमलाई शेड्यूल में रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है। ओ अच्छा 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 अरे वाह कमाल, तो मैं बरही से ही हूँ, मैं बरही से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो और क्या बताना चाहिए कि एक तो आपने उसकी जगह बता दी, दूसरा मैंने ये बता दिया कि मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं, मेरी फैमिली वहां पे है, मैंने स्कूलिंग वहां से की है, 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है, और वहां पे मैंने एक ग्रुप भी खोल रखा है दर्पण। ये आप आगे पूछने वाले थे क्या? मेरा सवाल ही वही था। ओके तो मैं बता दूं, आप सवाल पूछेंगे। आप बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स होंगे उस रीजन में जिनको हो हाँ सकता हाँ है नहीं पता हो, या पता हो तो अगर दे कैन अप्लाई और अपने उस एक्शन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, तो आप दर्पण के बारे में बिल्कुल बताइए। हाँ, तो दर्पण रंग समिति नाम से एक ग्रुप खोला है, वो मैंने और मेरा छोटा भाई है, एमपीएसडी से पास आउट है वो, दुर्गेश सोनी, अच्छा उसने, हम दोनों ने मिलके खोला, और एक्चुअली रन वही करता है, मैं उसको ऊपर से थोड़ा गाइड करती रहती हूँ बीच बीच में, अदरवाइज पूरा डायरेक्शन उसी का है। अभी मैं बीच में जाके कभी मैंने कुछ कुछ प्ले डायरेक्ट किए वहां पे, कुछ कुछ गाने का कुछ बनाया मैंने, कोरियोग्राफी कराई, कुछ कुछ गाइड करती रहती हूँ, अदरवाइज वही चलाता है उसको। तो ग्रुप खोल रखा है, वहां पे थिएटर होता है और म्यूजिक सिखाया जाता है, डांसिंग सिखाई जाती है, थिएटर की ईच एंड एवरीथिंग, थिएटर में तो सारी चीजें हैं, क्राफ्ट वर्क सिखाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना, इवन अभी उसने योगा क्लासेस भी शुरू करवाई हैं, और सुबह कुछ स्टंट वगैरह भी सिखाते हैं, तो कमाल है, वो गांव के बच्चे एक साथ होके नए नए स्टंट खुद ही सीखते हैं, खुद ही सिखाते हैं, तो कमाल, मजा आता है। मतलब मुझे वहां जाके अभी ऐसा लगता है कि अपने आप को वापस से पाना होता है ना, कि कहीं जाके अभी जब तक बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगने लग गया था कि गांव में जाओ तो वो गांव की चीजें अभी बहुत सारी मिस हो गई हैं जो मिलती नहीं थी, और क्योंकि हम बड़े दिनों बाद जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तो एक तो लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ऐसा हो गया कि अब लोग बघेली में बात नहीं करते आपसे, लोग ऐसे बात करते हैं और कैसी हो, वो लोग जो मुझसे बघेली में बात करते थे वो मुझसे खड़ी हिंदी में, और कई बार थोड़ा ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में बोल दो, तो इट्स लाइक मेरे लिए वो लॉस है कि वो मुझे लगता है कि व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस यार, मैं बघेली में बात करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो चीजें थोड़ी खोलने से लग गई थी। अभी जब ये ग्रुप शुरू किया उसके बाद जो बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों से इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि मैं फिर से लगता है कि फिर से बूस्टअप हो जाती हूँ वापस से यहाँ आने के लिए, एनर्जी बूस्टर। एक शाउट आउट हो गया दर्पण के लिए कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आसपास के इलाकों में, कटनी, बरही, शहडोल और कौन कौन से इलाके, मैयर, उमरिया, जितने भी हैं आसपास, तो अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दर्पण में एक मतलब जाकर, दर्पण रंग समिति, हाँ बिल्कुल, उसमें एक बार होकर आइए, आपको नया एक कुछ मिलेगा कि आप अपना कुछ पैशन या क्रिएटिव आर्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एक कोट था कि शाहरुख खान का, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की, मतलब क्या लाइन ही थी वो मूवी की, और वो एक कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, तो साजिश भी है मतलब अल्केमिस्ट उसी का मतलब एक रेप्लिका जैसा बोल सकते हैं, उसमें यही बताया गया है। तो एक लड़की है ऑडिशन देती है, और ऑडिशन होता है किसी मूवी का, और वो बोलती है कि काश मुझे इस मूवी में काम करने मिल जाए, और ऑल ऑफ अ सडन वो एक मेघना गुलजार की मूवी में उन्हें मिल जाता है। बट हाउ डू यू नो दैट, ये मैंने कहाँ बताया या कहाँ लिखा है मैंने, कैसा मैंने सोचा था कि इसमें मुझे मिल जाए, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की। ठीक है, पर मुझे सच में याद नहीं है कि मैंने किसको बताया ये, कि मैंने जब ऑडिशन दिया था मुझे सच में लग रहा था कि अरे मुझे ही ये बताया मुझे था, कर रहा है। हम मिले थे, आपने मुझे ही बताया था और आप भूल गई, फिर आपको जब काम मिलना चालू आप मुझे भूल गई, एंड देन
भी ये गलत है, ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि मैं सच में भूल जाती हूँ यार, ऐसे मत करो। कैसा कैसा रहा एक्सपीरियंस की, मतलब मेघना गुलजार, अच्छा रहा, ऑफ गुलजार कोर्स बहुत मतलब अच्छा रहा, क्योंकि हाँ मतलब मैं गुलजार साहब की तो पहले से ही बहुत 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 ज्यादा फैन हूँ, बहुत पसंद करती हूँ मैं उनको और उनकी बेटी, इसलिए नहीं कि वो उनकी बेटी है, ऑफ कोर्स इसलिए कि वो मुझे बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं और उनकी मूवी बड़ी अच्छी आई है जो उन्होंने अभी तक डायरेक्ट की है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था सीखना। फिर उसमें दीपिका थी, तो दीपिका पादुकोण है भाई, उनको हम देख के ऐसे चलते हैं कि यार शी इज अ स्टार, और उनके साथ शॉट देना, तो एक नई चीज सीखना, उनसे बातें करना, और फिर आप एक ही प्लेटफॉर्म में आके एक ही जगह पे जाके बात करते हो जब, तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है, तो बढ़िया एक्सपीरियंस था नो डाउट। हालांकि बहुत स्ट्रगल था क्योंकि धूप में शूट करना था और मुझे प्रोस्थेटिक मेकअप था उसमें, और उस मेकअप में जो हालत खराब होती थी अंदर से बहुत गर्मी, और मेरे लिप्स को थोड़ा ऐसे फोल्ड किया था उसमें बनाने के लिए, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, मैं केवल स्ट्रॉ से कुछ पीती रहती थी, बहुत स्ट्रगल था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, तो स्ट्रगल बहुत था, लेकिन हाँ मजेदार एक्सपीरियंस था। और उसमें विक्रांत मैसी कमाल के एक्टर हैं, उनसे मिलना, टेरिफिक उनसे बात करना, टेरिफिक टेरिफिक सॉरी टेरिबल बोल रहा था मैं, बिल्कुल टेरिफिक। सो कमाल कमाल इंसान है वो, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर है वो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे। मतलब आपने सभी पोटेंशियल लोगों के साथ, मतलब जिनमें पोटेंशियल है काफी बहुत हद तक और बहुत स्किल, उनके साथ सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर किया है और कर भी रही हैं नहीं अभी, यार ऐसा नहीं, सभी के साथ तो नहीं किया, अभी तो जो शुरू ही किया है, मतलब किया अभी है तो और अभी बहुत कुछ किया बचा है, भी है और इस पॉइंट पे कर भी रहे हो, तो सही है ट्राई भी कर, ट्राई कर रही हूँ। सही है। और अभी भी कर ही रहे हो, मतलब ये कॉल में भी आप कर ही रहे हो स्क्रीन शेयर एक पोटेंशियल बंदे के साथ में। हाँ तो वो एक साइंस में है ना कि मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स, सो जब दीपिका आसपास होती है तो वो एनर्जी अपने आप मतलब उस रूम की है उस वॉल्यूम में मतलब अपने आप हाई हो जाती है। कैसा रहा बेशक एक्सपीरियंस, मतलब डज शी वाज, आई मीन वैसा बोलते हैं कि एक बड़ा आदमी जब बड़ा आर्टिस्ट होता है तो अपने आसपास का सभी का एक मतलब वो केयर करता है, लाइक ही इज ऑलवेज केयरिंग की मतलब सब सही हो हाँ, आसपास। शी इज एक्चुअली वो प्रोड्यूसर भी थी उसकी, तो उस नजरिए से देखा जाए तो वो सारी चीजें थी, पर उसके अलावा भी वो बहुत केयरिंग थी, क्योंकि वो उनको समझ, उनका खुद का भी प्रोस्थेटिक मेकअप था, तो वो समझ पाती थी कितना गर्मी लगती है और कितना मुश्किल है उसको सस्टेन कर पाना, तो वो बिल्कुल समझ पाती थी, कई बार मैं बैठी हूँ और एसी अगर मेरी तरफ नहीं है तो फिर तो मुझे ये भी लगता था आई एम अ न्यू एक्टर यार, दीपिका की तरफ से मेरी तरफ मैं क्यों करूँ, तो ठीक है फाइन, तो उनको समझ आता था, वो खुद ही उठ के एसी मेरी तरफ कर देती थी, या कई हाँ, और भी कई सारी चीजें जो समझ उस टाइम पे, अभी एक एक कैसे बताऊं कि उस टाइम पे जब घायल की गति घायल जाने जो होता है ना, तो उनको समझ आता था कि जो प्रॉब्लम उनको हो रही होती थी सेम मुझे भी है, तो जब वो किसी चीज को उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई प्रॉब्लम उनके लिए होता था तो मेरे लिए भी अवेलेबल कराने की कोशिश करती थी, तो बहुत अच्छा था ये, बड़ी अच्छी बात लगी वो ध्यान देती थी इस कितना चीज का। घंटा लगता था, 3 से 4 घंटा मेकअप के लिए? हाँ शुरू में एकदम 4 घंटे लगते थे, फिर धीरे धीरे करके वो लगभग ढाई ढाई या 3 घंटे में कन्वर्ट हुआ था लास्ट क्लास तक में, बाप रे, और फिर निकालने में लगभग 1 घंटे, ये और मतलब फिर वो भी इतना लगभग 45 मिनट लास्ट में हुआ था, बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क मेकअप। बहुत ही हार्ड वर्क था, कभी कभी रात को 2:30 बजे मुझे सेट पे पहुंचना पड़ता था या 3 बजे सेट पे, क्योंकि सुबह 6 बजे से अगर शॉट लगना है तो फिर 2:30-3 बजे पहुंचना पड़ेगा। जैसे बात है मेकअप की, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि एक कैरेक्टर का मेकअप कैसा होना चाहिए, और ये सही में होता है क्या ये चीज़? यार ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि मेकअप अगर हम इससे बात कर रहे हैं क्योंकि हमने शुरुआत की है छपाक फिल्म से, तो छपाक में तो नो डाउट जो कैरेक्टर था वो मेकअप जो था वो मेकअप कोई ये मेकअप तो नहीं था कि जो हमने लिपस्टिक लगा रखी है या हम मस्कारा या बेस ये सब नहीं था, वो भी मेकअप था लेकिन अलग ही मेकओवर था, तो वो तो ऑफकोर्स बहुत जरूरी था नो डाउट, उसके बिना मैं कैसे दिखती, मतलब इस फेस में मैं उस दीपा का कैरेक्टर नहीं कर सकती ना, वो जो उसकी
मनोस्थिति है वो, मैं इस फेस में पा पाना ही बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि वो मनस्थिति तभी आएगी जब आप उस चीज को फेस करेंगे। मुझे उस मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था ये ऑडिशन देते वक्त भी और बाद में भी, कि हम एक चीज होती है कि कोई लोगों को देख के हमें थोड़ा ये लगता है कि सिंपैथी लगती है लोगों के लिए हमें, लेकिन उनको क्या फील हो रहा होता है ये जानना थोड़ा, ये चीज फील करना थोड़ा मुश्किल है, लाइक है ना, क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव टू फील द सेम थिंग, आई कैन नॉट जस्ट फील सिंपैथी कि मैं उनको देख के सिंपैथी फील करूं, ये नहीं कर सकती। मैं उनसे मिली लड़कियों से वो इतनी स्ट्रांग, कुछ लड़कियां हैं कितनी स्ट्रांग है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी हो गई कि दैट्स फाइन ना, ये हमारे साथ है तो फाइन, वी आर हैप्पी विद दिस, लेकिन उसको ये फील करती हैं वो लोग, ये ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा कि वो उसके साथ स्ट्रगल भी कितना है उनका, वो अलग बात है, बहुत स्ट्रगल है। जो मैंने जब बैठ के बातें की कि हम फ्री हैं तो बातें कर रहे हैं, तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं बात करती थी और मुझे लगता था अरे यार, मैं सडनली मुझे सिंपैथी वाले जोन में जाती थी और मुझे लगता था नो 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 यू आर वन ऑफ देम, यू कैन नॉट बी लाइक दैट, तुम इनकी तरह रहो जैसे अभी बता के और वो बिंदास है, तो ऐसे मुझे रहना, तो उनसे मैं बहुत सीखती रहती थी। तो मेकओवर जरूर इम्पोर्टेंट है दूसरे कैरेक्टर्स में भी, जैसे अभी इसमें मुझे सनफ्लावर में मराठी कैरेक्टर था, तो मैं मराठी अब कैसे दिखूं, कि उसके लिए थोड़ा बिंदी बिंदी कर दिया, अब ऐसे तो वो मेड हो नहीं सकती, तो थोड़ा उसका साड़ी करना, ये इसमें इसमें सेंस चेंज करना, तो छोटी करना। इनपुट आपका था कि मतलब कैसे अटायर होना चाहिए या किसी ने मतलब अपने? नहीं 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 उन्हीं का था, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो थी, अच्छा उनका, मेकअप आर्टिस्ट जो थे, और ऑफ कोर्स डायरेक्टर का था सारी चीजें, डायरेक्टर बताते हैं कैसा कैसा मेकओवर कैसा चाहिए, कैसा गेटअप चाहिए हमें इस कैरेक्टर का, डायरेक्टर बताते हैं कॉस्ट्यूम को या मेकअप मेकअप वालों को, तो वो उनका था। कभी कुछ इनपुट देना रहा कि आपको कुछ फील हुआ कि नहीं ये थोड़ा सा मतलब तो आर दे? हाँ मुझे लगता था, मैं बोलती थी, बोले मैं बोलती थी, मुझे थोड़ा कुछ भी लगता था मैं बोलती थी, पक्का हमेशा ये करती हूँ। ये मेकअप से याद आया, मेरा चैनल नहीं सलून वाले का है, तो अभी पैंडेमिक में सलून इंडस्ट्री और ब्यूटी पार्लर मसाज इंडस्ट्री काफी हद तक हर्ट हुई है, लाइक मोर और लेस जितना भी पब्लिक है दे आर मोर इनटू लाइक जाए ना जाए, थोड़ा अभी भी कॉन्शियस नहीं है, या अभी भी मतलब थोड़ा सा दे आर इनटू कि कॉन्फिडेंट नहीं है सीधा बोलना चाहिए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर खुला है, जहाँ पर मतलब आप प्रिकॉशन लेके जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल एक बार जाए विद जो भी लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस या फिर गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए जैसा भी, लेकिन बहुत हद तक ऐसे हैं सलून और ब्यूटी पार्लर जिनका ब्रेड एंड बटर इस पर डिपेंडेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक प्लेटफॉर्म से आपकी मदद से अगर आप मिलता है एक अपील मिल सकती है कि लाइक People should... नहीं बेशक बेशक, क्यों नहीं क्यों नहीं, इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि अब ऐसे तो हम नहीं चल सकते ना, सारी चीजें हम छोड़ के नहीं चल सकते बिल्कुल, तो उसको किस तरह से हमें हैंडल करना है, इन चीजों को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अब लगभग 2 साल होने वाले हैं तो हमें ये समझ में आ गया है, हालांकि नई नई चीजें, फिर नया वायरस आ रहा है उसको अलग तरह से हमें हैंडल करना है, पर उसके लिए हम बाकायदा, हमें न्यूज आ रही है, हम उसके बारे में पढ़ पा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस बता रही है, तो वो सब फॉलो करते हुए है ना, हमें बेशक जाना चाहिए मुझे लगता है। लाइक मैं भी गई थी अभी की, क्योंकि मुझे करना ही था, अभी मुझे पार्टी में जाना था, मैं इतने दिनों से कुछ ही नहीं किया था, तो जाना जरूरी है, व्हाट कैन यू डू देन, जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल यार, जैसे हर हर एक का, जैसे लोग हर काम के लिए अपील कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद सलून्स के लिए लोग इतना अपील भी नहीं करते, क्योंकि पता नहीं कि उसको लोग थोड़ा ऐसे रखते हैं कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, व्हाट जिसने खोल रखा है उसका खर्चा, उसका जीवन उसमें चल रहा है, right. तो बिल्कुल वैसा ही है यार, सबका जीवन चल रहा है और सबके लिए सोच रहे हैं, तो इसी तरह से सलून भी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फॉलो करते हुए, अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अगर आप अभी अभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं लग रही, या अभी जस्ट आप कोविड से निकले हैं या किसी और बीमारी से हैं, बेशक आप ध्यान रखिए अपना, आप मत जाइए, लेकिन ये जरूरी है कि आप
गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारे प्रोडक्शन यूज करते हुए कि मास्क लगाइए और सैनिटाइज कीजिए, ये करके आप बिल्कुल घर के आसपास, आपके बिल्कुल पास में नजदीक की जो है, और जो लोग ध्यान रख रहे हैं ये भी ध्यान रखना है कि जाके, और वो अगर वो ध्यान नहीं रखना है तो आप बताइए कि यार ध्यान रखो इस चीज इन चीजों का, नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल उनको बोलिए, फिर उसके बाद आप सोचिए कि जाना है या नहीं, लेकिन यू शुड प्लीज आई थिंक प्लीज प्लीज जैसे ये तो प्लीज अभी पीपल शुड गो. एक चॉइस देता हूं मैं आपको, गिवन अ चॉइस, व्हाट वुड यू लाइक टू वेयर, अ लिपस्टिक और अ मास्क? राइट नाउ डेफिनेटली मास्क. अभी तो लिपस्टिक का ट्रेंड ही खत्म हो गया. एक्चुअली मैं जब अभी जिस जा रही थी 11th को, मैंने बताया बड़े दिनों बाद मैं रेडी हुई एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यार बड़े दिनों बाद मेकअप के प्रोडक्ट्स निकले हैं, कुछ तैयार होना है तैयार हुई, बड़ी खुश थी. लिपस्टिक से सब लगा दिया, निकलने के जस्ट पहले मुझे बाप ने कहा मास्क का है, एंड आई वाज लाइक ऐसे मास्क लगाया, मुझे लगा क्या मतलब दबा. बट दिस इज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट यार, जिंदगी पहले इम्पोर्टेंट है ना. क्या रूटीन क्या होता है आप लोगों का एज अ सेलेब या एक्टर्स, बोलना चाहिए एक्ट्रेस, जो भी आर्टिस्ट, क्या हाँ एज एन एक्टर एज रूटीन है, आर्टिस्ट, स्किन रूटीन बोलो मेरा या तो रूटीन? मेरा मैं बहुत देखो सुबह उठ के अपना वर्कआउट करना है, जो मैं योगा प्रेफर करती हूँ तो मैं वो करती हूँ, और खाने पीने की डाइट, डाइट का ध्यान रखना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है. लाइक मैं फ्रूट्स थोड़ा अभी आजकल शुरू किया है कि सुबह फ्रूट्स का ध्यान रखना है, मुझे फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, तो अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग थोड़ा चेंज भी करती रहती हूँ डाइट का, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट मैं फॉलो नहीं करती हूँ. तो योगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बीच बीच में मैं गाने कुछ रियाज करती हूँ, कभी कभार पढ़ती रहती हूँ कुछ कुछ. अभी जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ नीना गुप्ता जी की बुक, अभी ऑटोबायोग्राफी आई है ना वो, मैं उनकी बड़ी फैन हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, तो उनके मैंने वो ऑटोबायोग्राफी में, उनके ऑटोबायोग्राफी में गजराज सर है क्या? मैंने पूरा पढ़ा नहीं यार, अभी शुरू किया है तो मैंने आई थिंक 4th तक पढ़ा है. अभी कुछ गजराज मैं कुछ नहीं बता सकती अभी है होंगे ना. तो पढ़ती या हम सीरीज देखते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, हाँ, या ऑडिशन तो देना ही है, अगर ऑडिशन आ रहा है तो ऑडिशन देते हैं, तो यही सब चलता रहता है. और क्या है, ब्यूटी के लिए मैं, मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपना ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ ध्यान रखने की. उसके अलावा एक्चुअली मैंने बहुत सारे बीच में प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया था, कुछ कुछ ट्राई किया, बहुत महंगी महंगी चीजें यूज की, एट द एंड मुझे समझ आया कि कोई मतलब नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें यूज करनी है, दैट्स इट, बहुत ही नॉर्मल चीजें जो मैं यूज करती हूँ, छोटी मोटी चीजें, कुछ कुछ जो मुझे लगता है हर्बल चीजें हैं, थोड़ा केमिकल्स से मैं थोड़ा बचती हूँ. केमिकल्स जो सूट ना करे आपको, उसको बेशक एक्चुअली मेरी बिल्कुल स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अल्ट्रा सेंसिटिव है, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं कर पाती. मेरी इच्छा भी होती है यार देख के कि ये यूज करना है, लेकिन आई कैन नॉट टेक रिस्क. सो थैंक यू सो मच अन्नपूर्णा मैम, आपने समय देने के लिए, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, हैड अ वेरी लवली सेम चैट, फ्रेंडली चैट. सो यार, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगू या छोड़ दूँ, जाने दूँ? पता नहीं, मुझे लगता है लोग वैसे भी लाइक कर लेंगे, नहीं सब्सक्राइब तो करते करेंगे ही. आपके शायद नहीं नहीं फॉलोअर्स करेंगे, अभी नहीं, नहीं करें, क्या लगता है आपको, करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है करना चाहिए, करेंगे. सेकंड सीजन देना है कि नहीं इनको, आपके सेकंड सीजन किसका, किसका सनफ्लावर का, सनफ्लावर तो ये सनफ्लावर का देंगे नहीं करेंगे. देंगे, नहीं, सेकंड सीजन देंगे, और ये लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और क्या करना होता है, कमेंट भी करेंगे. कमेंट भी करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू, बाय सेम बाय. सेम सेम.